हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी सारे फ्रेंड्स कैसे हो सब लोग? एकदम बढ़िया मजे में है ना? वेरी गुड फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ अपनी फैमिली का मॉर्निंग टू लंच रूटीन शेयर करने वाली हूँ। और आज देखते हैं हमने लंच में क्या बनाया है। आइए देखते हैं हमारा आज का ये मॉर्निंग रूटीन। चूँकि मॉर्निंग रूटीन मेरा बच्चों के टिफ़िन से शुरू होता है ना, तो बस बाहर जैसे देखती हूँ वो बालकनी के बाहर इतना काला काला अंधेरा दिखाई देता है, बल्ब दिखाई दे रहे होते हैं दूर से, क्योंकि कुछ घरों में लाइट चल रही होती है। हमारे जैसे लोग जो सुबह जल्दी उठते हैं बच्चों के टिफ़िन के लिए, तो बस 5:30 बजे करीब आँख खुलती है। फिर कई बार होता है कि हमें बनाना क्या है, हमारी तैयारी किस हिसाब से है, तो थोड़ा आलस कर लेते हैं जब आधी तैयारी हो रखी होती है। तो किचन भी क्लीन किया हुआ था रात में, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। और रात में मैं ये ग्लास लगा देती हूँ, हमारे यहाँ विंडो में ग्लास भी है और जाली भी है, तो जाली लगाती हूँ जैसे मच्छर ना आए, और जब रात में पैक करना है तो ग्लास लगा लेते हैं। और मैंने फ्रिज से निकाली है सेम की सब्ज़ी और आलू लिए हैं, आलू का छिलका निकाल करके कट किया, और हरी मिर्ची। ये सेम की सब्जियां, सेम की फलियां होती हैं, चपटी भी होती हैं और एक गोली गोल मोटी वाली भी होती हैं जिसमें बीजे होते हैं। और ये मैंने साफ़ करके रखा था, मैंने वीडियो में दिखाया था कि किस तरीके से सेम साफ़ करते हैं, ऊपर नीचे की पतली पतली सी डंठल निकालते हैं और साइड से रेशे निकालते हैं, और एक एक सेम खोल खोल कर देखनी होती है कि कोई कीड़े ना हो, इसलिए मैंने ये काम करके रखा था। कढ़ाई में कल रात पूरियां तली थी तो मैंने उसी तरीके से ढक के रख दिया था, और उसी कढ़ाई में मैंने डाला है सरसों का तेल 2 चम्मच गरम किया, और उसमें लहसुन की कलियां डाली हैं बारीक काट करके, और जीरा डाला है। जीरे और लहसुन के बाद हरी मिर्ची बारीक कटी हुई डाली है, और टमाटर डाल दिया है। टमाटर तेल में डालेंगे, जल्दी से गल जाता है। और 1/2 चम्मच के करीब हल्दी पाउडर का यूज़ किया है। और हमने ये 2 से 3 जो आलू लिए हैं उनको टुकड़े किए हैं, धो लिया है और डाल दिया है। नया वाला आलू है इसलिए छिलका ऐसे नाइफ से रगड़ करके निकाला और बस तुरंत छिल जाता है वो। और टुकड़े करके इसको पहले फ्राई करेंगे, ढक देंगे जिससे आलू अच्छा सा फ्राई फ्राई सा हो जाए, आलू पहले पक जाए, क्योंकि सेम को पकने में बहुत कम टाइम लगता है, तुरंत पक जाएगी, इसीलिए हमने पहले आलू को फ्राई करना चाहा। आलू पहले पक जाएंगे तो आलू कच्चे से नहीं लगेंगे सब्जी में। और अब हमने डाला है 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच करीब लाल मिर्ची पाउडर। बस अब हमने डाला है 1/2 चम्मच गरम मसाला, और साथ में डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार, और हम ये साफ़ की हुई सेम डाल देंगे। सेम को एक एक खोल के ज़रूर देखना चाहिए, इसके अंदर कीड़े रहते हैं, इसलिए ऐसी सब्जियां रात में तैयार करके रखो तो सुबह जब आप टिफ़िन बना रहे होते हैं आग खोला और बस बनाना शुरू कर दिया, तो एक बर्डन भी नहीं लगता है और टाइम भी नहीं लगता है, और सब्जी तैयार हो जाती है और हम बच्चों को टिफ़िन में कुछ हेल्दी भी दे पाते हैं। ढक दिया है हमने, सारे मसाले मिक्स कर लिए हैं, ड्राई मसाले, और आलू पहले से पक चुके हैं तो बहुत जल्दी सब्ज़ी तैयार होगी। और मैंने थाली में निकाला है आटा, उसमें डालेंगे हम थोड़ा सा नमक, क्योंकि आटा गूंथने में थोड़ा सा नमक यूज़ करती हूँ मैं, और पानी डाल करके आटा तैयार करेंगे। मैं रोटियाँ सेकने वाली हूँ जैसे कि फुलके चपाती, तो बस जैसा रोज़ आटा गूंथती हूँ ठीक उसी तरीके से आटा तैयार करेंगे। एकदम सॉफ्ट रखेंगे और अच्छे से मलेंगे, पानी सुबह सुबह एकदम से ज़्यादा ना लग जाए, पता चला आटा गीला हो जाए फिर उसे समोकना पड़े, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें। और ये आटा मैं इकट्ठे लंच के लिए भी लगा रही हूँ, मतलब मैं टिफ़िन बनाती हूँ बच्चों का तो जो आटा तैयार करती हूँ सुबह वो लंच के लिए भी आटा यही रहता है हमारे यहाँ। दूध फ्रिज से निकाला है मैंने, ये देखो चायदान में कैसे कितना आइस आइस दिख रहा है ना, खूब ठंडा दूध है, इसलिए पहले से ही निकालना पड़ता है, बड़े बर्तन में दूध होता है, लेकिन अब मैंने इस बर्तन में निकाला है कि जितना मुझे गर्म करना होगा। और अब मैं सब्ज़ी को भी हिला के देखूंगी, क्योंकि आटा गूँथा है मैंने तो उतने टाइम तक सब्ज़ी पक रही थी। सेम पकने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, सेम एक ऐसी सब्ज़ी है बहुत जल्दी पकती है, और आलू पहले भी पके थे और अच्छे से अभी भी फ्राई हो रहे हैं। एक बार ऐसे इसे कट करके देखते ना कलछी से कि आलू में लगाया कट रहा है कि नहीं, क्योंकि आलू अच्छा पका होना चाहिए, नया आलू पकने में थोड़ा टाइम लगता है। अब हमने कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया है क्योंकि सब्ज़ी हमारी तैयार हो चुकी है। और ये देखिए आलू और सेम की ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होती है। गैस हमने बंद कर दिया है, सब्ज़ी को एक बार फिर से धनिया डालने के बाद भी मिक्स कर लेंगे,
कम मसाले डाले हमने ड्राई मसाले, और तब भी ये सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। गरम गरम पराठे के साथ, रोटी के साथ, दाल राइस के साथ ये सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। मैं टिफ़िन में निकाल के रख रही हूँ ताकि सब्ज़ी ठंडी होती जाए, क्योंकि इनकी रबर लेड है और स्टील के टिफ़िन है, तो मतलब सब्ज़ी ठंडी हो जाती है तो फिर आप बंद करके रख सकते हैं। और बाकी की सब्ज़ी को मैंने इस तरीके से डोंगे में निकाल दिया है, तो ये हमारे यहाँ अभी लंच में काम आएगी और मैं इसको साइड में रख दूँगी। और बच्चों की सब्ज़ी ठंडी हो रही है साइड में, तो यहाँ पर अब जो मैंने आटा गूंथा रोटी बनाने के लिए, सबसे पहले मैं बॉल्स तैयार करती हूँ। मतलब अभी मुझे जितनी रोटियाँ सेकनी है उसके हिसाब से बॉल्स बना लिया है और तवा रखा है। फटाफट रोटियाँ बनानी शुरू, बाकी का आटा वैसे ही रहने देंगे हम। और तवे पर रोटी पहुँच गई है। पहली ही रोटी क्यों ना बनानी हो, पहले से ही जैसे अब मैंने आटा गूंथना के बाद, अभी जब आटे की बॉल्स बनाने लग रही थी तो पहले तवा रख दिया धीमी आँच करके, ताकि तवा गर्म होता जाए, क्योंकि पहली रोटी हो आँच बहुत ज़रूरी है। और अगर आँच सही है तो आपकी पहली रोटी भी फूलेगी। आपने अक्सर देखा है मैं स्टार्ट करती हूँ रोटियाँ और रोटियाँ फूलनी शुरू हो जाती हैं। तवे की आँच बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कई बार आपने देखा है आँच सही नहीं होती है तो पहली रोटी अच्छी नहीं बनती है ना। बेलन और आटा वही होता है, वो जो तवे की आँच होती है उस पर ही फ़र्क पड़ जाता है। और दोनों ही साइड से अच्छे से रोटियाँ सेकें, और ये देखो रोटियाँ सेक चुकी हैं दोनों बच्चों के टिफ़िन के हिसाब से। और अब मैंने बाकी का काम करना शुरू करना है, तो बस ये देखो साइड में रख ली हैं रोटियां, जिससे रोटियों में जो गर्म भाप रहती है वो सारी की सारी निकल जाए और रोटियां ठंडी भी हो जाती हैं हल्की सी, ताकि एकदम गरम गरम रोटियां टिफ़िन में ना रखनी पड़े। बाकी के आटे को मैंने ढक दिया है थाली से, और ये चकला बेलन सब मेरा ये गैस के नीचे चला जाता है, क्योंकि जो स्टैंड लगाया है हमने स्टील के गैस में उससे हाइट आ गई है, और फिर वे काउंटर टॉप में ऐसे फैला फैला सा सामान नहीं रहता है, ये नीचे के नीचे ही रखा रहेगा। और ये देखो रोटी में भाप की वजह से पानी आया है, आपने देखा है छोटी सी जो कटोरी थी। और अब मैं घी लगा रही हूँ, और घी लगा करके रोटियों में चुपड़ देंगे। तो इस समय ये देखिए हल्का सा ठंडी हुई है रोटियां, मतलब एकदम ठंडी नहीं हुई हैं, लेकिन रगड़ के घी लगा दिया है। इतनी ही देर की तो बात होती है जितनी भी मैंने रोटी बनाई और ये थाली वाली हटाई, इतने मिनट के लिए मैं बाहर रखती हूँ रोटियां, और बस सीधा टिफ़िन में रख दिया है और घी दानी हटा दी है। ये टिफ़िन बच्चों के तैयार हो गए हैं, सब्जी रोटी। एक दिन एक व्यूवर ने पूछा कि दोनों बच्चों के टिफ़िन सेम हैं तो क्या कभी ऐसा होता है एक को सब्जी चली जाए और एक को सिर्फ रोटी चली जाए। अब जब भी मैं टिफ़िन पैक करती हूँ मुझे उनकी वो बात याद आती है। तो मैं बताना चाहती हूँ, जब मैं सब्जी का ढक्कन बंद करी ना और रोटियाँ, तो एक के ऊपर रख देती हूँ दूसरा, यानी कि चार अगर एक साथ लगे हों काउंटर टॉप में तब कन्फ्यूज़न होता है, मैं उसी के ऊपर रख देती हूँ तो ये मेरी पहचान बन जाती है, ये इसी के साथ का है वो इसके साथ का है इसलिए। और दूध भी हल्का गुनगुना हुआ कि मैंने कप में छन्नी से छाना है और डाला है एक एक चम्मच बादाम मिश्री सौंफ वाला पाउडर। दूध छन्नी से इसलिए छानने पड़ते हैं क्योंकि ज़रा भी बच्चों को मलाई नहीं चाहिए। तो बस दोनों के कप अलग हैं, यहाँ कोई कन्फ्यूज़न नहीं है और चम्मच से मिक्स कर दिया ये बादाम मिश्री सौंफ, अच्छे से तुरंत मिक्स हो जाता है, एकदम फाइन पाउडर बनाएं। और एक व्यूवर है, उन वो हमेशा मुझे बोलती हैं बच्चों को दूध खाली नहीं देना चाहिए, तो अब मैंने इनको टोस्ट की बोला है कि भाई एक टोस्ट खाओ, चाहे बिस्किट खाओ, चाहे रोटी जो बनाए पराठे बनाओ वो खाओ, और साथ में दूध लो। मैंने एक चम्मच दही लिया है और ये दूध देखो हल्का सा गुनगुना किया, मतलब गर्म नहीं है ये दूध, ठंडा है, ठंडा भी नहीं है, मतलब फ्रिज जैसा ठंडा नहीं है। मैं दही लगा रही हूँ सुबह ही, इन दिनों जैसे दूध लगा दही डाल के रख देती हूँ तो दोपहर तक दही जम जाती है, फिर उसको फ्रिज में रख देंगे तो हम लोग इसको रात में भी खा सकते हैं। मतलब सुबह सुबह अभी जो बच्चों का दूध बना है ना, इस टाइम पे मैंने दही लगा दी है, इसलिए मैं रात भर दही बाहर नहीं रखती हूँ, इसलिए मैं सुबह दही लगाया, अब शुरू कर दिया सुबह सुबह जमाना, और दोपहर तक दही जम जाती है फिर फ्रिज में रखती हूँ। मेरी चाय पीने के बाद मैंने घर में झाड़ू पोछा नहाना और देव पूजा ये सारे काम किए, क्योंकि अच्छी बात ये है कि आज हस्बैंड घर पर है, उनको ऑफिस नहीं जाना है, बच्चों के जाते ही उनके टिफ़िन का कोई काम नहीं था कि भाई हमें भी जल्दी निकलना है तो उनका नाश्ता बनाओ, उनका टिफ़िन बनाओ। ये मुझे सबसे अच्छा लगता है, जो कि मुझे साल में कोई दो तीन बार ही ऐसा मौका मिलता है ये वाला, कि अब मुझे कोई जल्दी ना हो खाना बनाने की, जैसा कि ये होता है, क्योंकि रोज़ उन्हें ऑफिस जाना होता है, रोज़ उनकी वही जल्दी निकलना है और जल्दी टिफ़िन देना है और जल्दी खाना देना है।
तो इसलिए मेरे सारे काम लेट होते हैं जो मैं खा लेती हूँ, और फिर मैं देव पूजा देर से करती हूँ। चूँकि आज ये मौका लगा है, मैंने सब पहले कर लिया है। और मैंने दाल चावल भिगो के रख दिए थे, लेकिन तो भिगोए थे तो इनका पानी फेंक दिया है। ये दाल और चावल सेपरेटर डब्बे में है, और मैं दाल में डाल रही हूँ पानी और चावल में डालेंगे पानी। दोनों में डालेंगे थोड़ा थोड़ा तेल, एक एक चम्मच करीब, और नमक डालेंगे, और दाल में डालेंगे हल्दी। जैसा कि दाल हमेशा हल्दी और नमक डाल के ही बनाई जाती है, थोड़ा सा तेल डालते हैं, उससे जो चावल है वो नॉन स्टिकी सा रहेगा, सॉफ्ट नरम एकदम चिकना तेल की वजह से। और तेल डब्बे में जो डाला है, इससे क्या होगा कि उबाल जो आती है दाल की वो नहीं आएगी और जल्दी से पक जाएगी। तो बस अब ये सेपरेटर डब्बों में दाल चावल बन रही है, क्योंकि मैं बनाऊंगी दाल फ्राई। दाल फ्राई बनाने के लिए हमें सिर्फ दाल उबली हुई ही चाहिए, तो इसमें आराम से उबल जाएंगी। और चावल चूँकि हस्बैंड भैया खाते ही नहीं हैं, बच्चों को और मुझे ही खाना है, तो इसलिए मैंने डब्बे में बनाया है कि थोड़ा सा तो बन जाए कम से कम, तो हाँ लगे कि हाँ खाना पूरा खाया है, दाल चावल सब्जी रोटी। तो बस कुकर भी मैंने इस तरीके से रखा है। अगर हस्बैंड चावल खाते तो फिर मैं कुकर में अलग से ही चावल बनाती, लेकिन नहीं खाते हैं इसलिए फिर मैंने आज ऐसे ही कर लिया है। और यहाँ पर मैं रख दूँगी, दाल चावल एक साथ पक जाएंगे। पहले आँच तेज़ रखी जाती है, जैसे सपोज़ आपने गैस में ये कुकर रखा होता तो पहले एक फुल आँच रखो, एक सीटी बज गई कि आप आँच धीमी कर लो, और धीमी आँच में आप दो सीटी ले लो, आप बंद कर दो गैस, रखे रहने दो कुकर, आपका दाल चावल एक साथ तैयार हो जाता है। एक दो बार आप बनाओगे तो खुद आपको बनाने के बाद ही समझ में आ जाएगा कि कितनी सीटी लेनी है और कितनी आँच रखनी है। जो आटा मैंने ढक के रखा था उसके अब मैं सारे बॉल्स बना लूँगी, एक साथ सारी रोटियाँ बना लेनी है मुझे। और चूँकि नाश्ते में मैंने जैसे चाय ली थी और साथ में टोस्ट लिए थे, हस्बैंड ने भी अपना दूध जैसे लेते हैं, दूध है, लड्डू है, फ्रूट्स खा लिए थे, और सुबह ही नहा लेते हैं वो। मेरा भले ही नहाना देर से हो, उन्हें चाहे घर में रहना हो चाहे उनको ड्यूटी में जाना हो, उनका मॉर्निंग में ही होता है नहाना, और मेरा ही हो जाता है जैसे घर के काम होते हैं उसके हिसाब से आगे पीछे। और देव पूजा भी करते हैं वो, तो वो उनकी पूजा वूजा रोज़ हो जाती है नहाने के बाद ही, तो सीधा आप वो खाना खाएंगे। और इसलिए खाने के लिए बहुत लेट नहीं करेंगे हम लोग, 1 बजे तक हमारा लंच भी हो जाएगा। तो मैं इसलिए अब गर्म रोटियां सेक रही हूँ, एक साइड मैंने कुकर लगाया ही है, और इधर मैं बाकी की सारी एक दिन मैंने बोला था एक वीडियो में कि ये देखिए रखा हुआ आटा है तो उसका रवा सेट हो जाता है, तो एक कमेंट आया कि क्या आपने सूजी रवा की रोटी बनाई है। अरे नहीं भाई, सूजी रवा नहीं, तो उन्होंने कहा आपने तो रवा बोला था, रवा बोला था मतलब रवा नहीं डाला इस आटे में, ये गेहूं है, गेहूं का आटा, प्योर गेहूं का आटा है। रवा बोलने का मतलब मेरा जो मेरे मुँह से हमेशा निकल जाता है, रवा सेट हो जाता है। रवा मतलब कर्ण जो होते हैं, गेहूं का आटा होता है, आटे में वो बारीक बारीक आटा गेहूं के जो मतलब सूजी जैसा ही होता है ना, मतलब रवा जो अनाज है वो जब हम भिगो के रखते हैं तो वो भीग जाता है, तो वो फूल जाता है ना, तो इसलिए मैंने रवा बोला था। रवे की रोटियां मैंने कभी नहीं बनाई हैं, भले चावल बाजरा ज्वार मक्का बनाया है, लेकिन रवे की नहीं, गेहूँ ही है। लेकिन जब इसे हम लोग गूंथ के रखते हैं तो जो आटा है वो ढीला हो जाता है, मतलब कि उसका जो ये जो अभी सूखा आटा है ना, इस तरीके पानी मिलने से ये थोड़ा भीग जाता है। इसलिए बस बाकी का जो थोड़ा सा आटा रहता है वो मैं डब्बे में रखती हूँ। और यहाँ पर इंडक्शन में ये चावल देखो एक सीटी बजी होती है, फिर धीमा कर लेते हैं और ये तैयार। रोटियों को पहले मैं एक बार ऐसे हाथों से झटक देती हूँ ताकि सूखा आटा रहे। और ये देखो इस कटोरी में भी पानी, मतलब जब हम रखते हैं ना जिसमें भी पहली रोटी से शुरू करते हैं, तो वो गर्माहट और भाप में पानी सीलन आ जाती है उसमें। इसीलिए कैसरोल में कभी आप डायरेक्ट बना बना के रखते जाएंगे तो पानी रहेगा ही नीचे की, उसमें रोटी में गीली हो जाती है। इसीलिए बस ये कपड़ा लगाया है और सारी की सारी रोटियां इस तरीके से कैसरोल में डाल के रख देते हैं, ढक देंगे तो रोटियां हल्की सी गर्म भी बनी रहेंगी। और अब रोटियां बन गई हैं तो यहाँ पर मैं रोटी के बर्तन हटा रही हूँ, यानी कि तवा है और ये स्टैंड है, क्योंकि अब सारी रोटियां बन गई हैं। वैसे रोज़ होता क्या है कि अभी बच्चों का हुआ फिर अभी हस्बैंड का बनाना है, इसलिए रखा रह जाता है। सुबह के समय में मैं पूरा ये काउंटर टॉप कपड़े से पोंछना है या धोना है बीच बीच में, ऐसे कुछ कुछ दिनों में ये सारा काम मॉर्निंग क्लीनिंग में मैं करती हूँ। मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ मॉर्निंग किचन क्लीनिंग,
और ये रोटी का सारा हटाती हूँ मैं बर्तन के साथ में। और ये देखो कुकर खोल के देखा है, चावल तैयार है और यहाँ पर दाल भी पक गई है। एक साथ बन जाता है सेपरेटर कुकर में दाल चावल। मैंने अभी स्टील के भी लाई हूँ कंटेनर दो, तो वो भी इसी यूज़ के लिए लाई हूँ, आज मैंने इसमें ही रखा है। और ये देखो दाल, मतलब थोड़ा पानी ज़्यादा डाला था मैंने क्योंकि मुझे दाल फ्राई बनानी है। दाल फ्राई दाल राइस के साथ हो या रोटियों के साथ हो बहुत अच्छी लगती है जब सब गरम गरम खा रहे हैं। और दाल के लिए मैंने पैन में घी डाला है 3-4 चम्मच, जिससे कि प्याज हमारी भुन जाए मैं उतना ही डालना है घी। और घी गरम होते ही डालेंगे जीरा 1 चम्मच, जीरा 1 चम्मच भर के डालेंगे, दाल में अच्छी लगती है। और थोड़ी सी हींग जरूर डालेंगे, हींग जीरे का तड़का लगने से दाल का टेस्ट डबल हो जाता है। बारीक कटी हुई प्याज और बारीक कटी हुई हरी मिर्ची भी डालेंगे, हरी मिर्ची और प्याज को भूनेंगे। अगर आप पसंद करें तो आप लहसुन भी बारीक काट करके डाल सकते हैं। और बस प्याज भून लेंगे, हल्का सा गुलाबी सा हुआ कि अब हमने टमाटर डाल दिया, एक बड़े साइज़ का बारीक कटा हुआ टमाटर हमें गलाना है। और इसमें इसलिए मैंने पहले थोड़ा सा नमक डाला है टमाटर के हिसाब से, क्योंकि दाल में तो ऑलरेडी नमक है। और इसको मिक्स कर देंगे और जब हम इसे थोड़ी सी लाल मिर्ची भी डाल देंगे ऊपर से कि अब टमाटर गलेंगे, तो बस इसे ढक देंगे। ढका है हमने और इसीलिए लाल मिर्ची डालने के बाद मिक्स नहीं किया है ताकि पैन में ना लगे। और जैसे ही मैश करते हैं इस तरीके से चम्मच दबाते हैं, तो ये देखो भाप लग गई है और नमक भी मिक्स था, तो टमाटर एक अच्छा सा एकदम मैश हो जाता है। हमें इस तरीके से मैश करना था कि दाल में अलग अलग टमाटर दिखे नहीं, और टमाटर मैश करने से जो खट्टापन होता है टमाटर का वो दाल में आएगा। तो हमने अच्छे से मिक्स कर दिया, ये देखिए पेस्ट तैयार हो गया है टमाटर और प्याज का अच्छा सा। और अब हम ये दाल डाल देंगे। दाल जो अभी हल्की सी पानी दिख रही है, जब हम इसको उबालेंगे ना, खौलाएंगे दाल को, तो पानी भी कम हो जाएगा, मतलब गाढ़ी सी दाल हो जाने वाली है। हमने इसको फिर से ढक दिया है, ढकने से खौलेगी दाल जैसे उबलती है ना। ये देखिए इस तरीके से उबाल आने लग रही है, और उसको चम्मच से हिलाएंगे, दाल में गाढ़ापन भी आएगा और दाल थोड़ी सी फिंद जाएगी, मतलब फिट जाएगी अच्छे से। आप चाहो तो ऐसे मथानी से हैंड ब्लेंडर से भी ब्लेंड कर सकते हो, हम लोग नहीं घोटते हैं दाल, इस तरीके से बस खौला लेते हैं दाल फ्राई को। तो बस इसी तरीके से करूँगी मैं। मेरे हस्बैंड को थोड़ी खिली खिली सी अच्छी लगती है, मतलब पूरा घुटे हुए से नहीं अच्छी लगती है। और बारीक कटी हुई हरी धनिया डाल दिया है हमने ऊपर से, और ये दाल तैयार हो गई है, बंद कर देंगे। ये दाल बहुत ज़्यादा पसंद, क्योंकि अभी तो गरम गरम हम लोग खाने वाले हैं, बच्चे स्कूल से आके खाएंगे। तो ये छोटी वाली हांडी है, इसमें मैं दाल पलट रही हूँ। और ये जो मेरा पैन है वो सिरेमिक है, कोटिंग है इसमें सेरेमिक वाली, और अब ये मैंने ऑनलाइन ही लिया था लेकिन अभी नहीं मिलता है। जब मैं इसका यूज़ करती हूँ तो बहुत से कमेंट्स आते हैं, तो इसलिए मैं पहले से मेंशन कर दे रही हूँ, इसकी लिंक नहीं है। बहुत दिन हो गए लिया हुआ, 3 साल हो गए करीब, और वो लिंक भी नहीं है। और जब कभी मैंने डाल के भी चेक किया है तो ये वाला नहीं दिख रहा है सेट, शायद ना आ रहा होगा अब उनके यहाँ। ऑनलाइन था ये, निर्लॉन का सेट है, 3 का सेट है, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं है डेली यूज़ के लिए, बस ऐसे कभी कभी मैं यूज़ करती हूँ। हल्का है, मतलब हैवी नहीं है ये पैन, तो इसलिए अगर नहीं मिल रहा है तो बहुत अफसोस ना करें। क्वालिटी बता हल्की है, जैसे फ्राई कर लिया मैंने दाल, ठीक है, ऐसे कुछ कुकिंग करने में यूज़ नहीं करती हूँ मैं ज़्यादा इस कढ़ाई और पैन का, बस शो में देखने में अच्छे हैं ये। जितने हम लोगों के टिकाऊ बर्तन हैं वो बात नहीं है इनमें, फैंसी बर्तनों में। तो बस यहाँ पर मैंने ये क्लीनिंग भी कर ली है, क्योंकि ये तो सबसे पहले ज़रूरी है, हम लोग खाना खाएं तो ये बड़ा भंडारा ना दिखाई दे। उसके बाद बस थोड़े से बर्तन धुलने मुझे अच्छा लगता है, खाने के बाद बड़े बड़े बर्तन धुलने में आलस आती है मुझे, इसलिए मैं पहले ही धुल लेती हूँ। यहाँ पर मैंने इसलिए रखा है गैस के पास कढ़ाई की हवा लग जाए, सूख जाए, फिर बाद में मैं हटा दूँगी बर्तनों के साथ में। और अब मैं थाली लगा रही हूँ, और 2 थाली लग रही हैं क्योंकि हस्बैंड आज घर पर हैं, तो घर पर ही लंच होगा। और सब्जी निकाली है मैंने, गरम गरम दाल फ्राई, और दाल के साथ घी डालो तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है, भले घी में कितना भी छौंका हो, वो दाल में छौंकने पे कुछ घी का टेस्ट नहीं पता चलता जब तक आप दाल के ऊपर से घी ना डालो। और अनार के दाने निकाल के रखे थे मैंने, तो वो अनार के दाने भी हैं खाने के साथ में सैलड में, मतलब प्याज मैं बहुत कम खाती हूँ कच्ची प्याज, तो बस अभी खीरा नहीं है जैसे इस तरीके की चीज़ें जो सैलड में यूज़ करते हैं, तो इसलिए फ्रूट्स हैं तो मैंने वही निकाल दिया है। और दाल सब्जी रोटी और अनार हैं,
चूंकि चावल उन्हें नहीं खाना इसलिए उनके लिए नहीं रखा है। मैं खाऊंगी, जब मेरी रोटी ख़त्म हो जाएगी तो मैं गरम चावल लूंगी। कंटेनर में रखे हैं तो अभी गरम ही रहेंगे। बस ये थाली तैयार हो चुकी है। बहुत ही सिंपल लंच है हमारे यहाँ। भले ही अब शाम में कुछ खास बने, बच्चे आएंगे स्कूल से तो वो तो दाल चावल खाएंगे, सब्जी रोटी बच्चे टिफ़िन में लेके जाते हैं, तो कभी कभार बच्चों का दिल करता है कि वो सिर्फ दाल चावल खाएं, खासकर शुभम तो बस दाल के नाम से ही उसको रहता है, दाल फ्राई तो पसंद है, खाएगा। और अचार निकाला है, मैंने बोला था ना कि मैं अचार पूछूं तो ना का जवाब मिलेगा, मतलब अचार जल्दी कोई खाता नहीं है घर में। अभी ये हल्दी का अचार है तो ये मुझे अच्छा लगता है, तो मैं खाने के साथ में लेके बैठ रही हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है, मैं खा रही हूँ। और शाम में बच्चे आएंगे तो फिर कुछ स्पेशल बनाऊंगी नाश्ते के लिए, क्योंकि आज घर पर ही हैं ये, तो अब ये इनका सुबह ये होता है कि ये खाना ही खाना चाहते हैं गरम, तो खाना खा लिया है तो शाम में कुछ बनाऊंगी और कोशिश करूंगी कि वो शूटिंग भी ले सकूं, तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी कि क्या बना है शाम में। और यहाँ पर किचन क्लीनिंग पहले हो चुकी होती है ना, तो इसीलिए खाने के बाद वो सिर्फ थाली कटोरी धुलनी रहती है, वो तो हाथ धुला के धुल जाते हैं, बड़े बर्तन खाने के बाद नहीं धुले जाते हैं। इसी वजह से अक्सर आपने नोटिस किया होगा, मैं खाना बना रसोई हो गई कि सीधे पहले चौका बर्तन कर लो और बाद में खाने खाने बैठो, तो वो थाली कटोरी तो बस यूँ ही साफ़ हो जाती है। यहाँ पर क्लीनिंग भी हो चुकी है और मैं और मेरा मुखवास